और आपने देखा दो दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक फरेब ये करने पड़ रहे हैं। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो के रखना, लेकिन उसके ऐसी चीजों की बालमृत्यु हो जाती है और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते हैं। हमारे संस्कार हैं। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई, पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ूं, तो इन तीन चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे, पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। साथियों, इंडिया अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, आज भी वो उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाए हैं या समझना चाहते नहीं है। भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है, और जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, वो समझ को छूता है, समझता है, पहचानता है, वो वहां नहीं है। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा, और तो मैं ज्यादा
कुछ कह नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते हैं, उसके निर्णयों को फाड़ देते थे। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी। ये सारे दृश्य आपने देखे हैं, ठीक है। अब मैं समझता हूं कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र की मजबूती और जनता जनार्दन के प्रति आस्था, इसको हम साथियों, लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है। विपक्ष में भी जो सांसद जीत करके आए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मैं पिछले 10 वर्ष में एक चीज मिस कर रहा था कि डिबेट, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ डिबेट मैं मिस कर रहा हूं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब इस नया जो सदन बना है वो कमी मुझे खलेगी नहीं, शायद हमारे साथी भी राष्ट्रहित की नियत के साथ सदन में आएंगे। और भले वो विपक्ष में बैठे होंगे लेकिन राष्ट्र के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में है। राष्ट्र में तो हम सब एक ही दिशा में हैं। राष्ट्र में हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, राष्ट्र में तो हम 140 करोड़ है। और मैं आशा करता हूं कि वो राष्ट्रहित की भावना को लेकर के सदन में आएंगे और सदन को समृद्धि देने में वे कुछ न कुछ योगदान करेंगे। साथियों, 24 का जनादेश एक बात को बार बार मजबूती दे रहा है, बार बार मजबूती दे रहा है कि देश को आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। और जब इतना अटूट विश्वास है, इतना भरोसा है, तो स्वाभाविक है देश की अपेक्षाएं भी बढ़ेगी। और मैं इसे अच्छा मानता हूं और हम सबका कर्तव्य भी मानता हूं। और इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, और मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है, और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है।